हेलो वेलकम टू द स्टूडियो टेरस बैंक को आज के दिन हमने ट्रेड किया है एंड पोजीशन अभी भी हमारी चल रही है मॉर्निंग से ही ये स्टॉक एक साइडवेज जोन में रुका हुआ है कोई बहुत बड़ा मूव हमें इसके अंदर देखने को नहीं मिला हालांकि ये ट्रेड हमने मॉर्निंग में दस बजे के आसपास से एग्जीक्यूट किया था जैसे प्रॉफिट चल रहा है एट के अराउंड प्रॉफिट है और बारह सौ रुपए पच्चीस पैसे पर यह ट्रेड एग्जीक्यूट किया था ऑर्डर बुक देख लेते हैं एक बार ऑर्डर बुक में बारह सौ रुपए पच्चीस पैसे यहाँ पर देखिए टाइम हम शो कर देते हैं आज दस दस बजे क्या हमने ट्रेड एग्जीक्यूट किया था दस बजे एग्जैक्ट दस बजकर तीन सेकेंड है तो दस बजकर तीन सेकेंड का मतलब आपका हो गया ये वाली जस्ट ये जो रिजेक्शन हो रहा था ना इस कैंडल को देखते हुए हमने ये ट्रेड अपना एग्जीक्यूट किया था ऐसा क्यों हुआ था इस जगह से हमने ट्रेड अपना क्यों एग्जीक्यूट किया था अभी ये चीज हम आपको क्लियर करेंगे एंड स्टॉप लॉस जब आप देखोगे तो स्टॉप लॉस हमने लगाया था बारह पैसे का ठीक है एट थाउजेंड चल रहा है प्रॉफिट स्टॉप लॉस हमारा बारह पैसे का उसी एरिया पर है यहाँ पर देखेंगे आप एक बड़ी सी रिजेक्शन कैंडल फॉर्म हुई थी ये वाली की कैंडल है ना सिक्सटीन ऑफ दिसंबर की जस्ट इस कैंडल के लो के ऊपर हमने अपना स्टॉप लॉस रखा

लो लगाने के बाद में वापस से प्राइस ने इसके अंदर रिजेक्शन दिखाया आप थ्री मिनट्स के टाइम फ्रेम पर देखोगे तो यहाँ पर आपको और कन्फर्मेशन मिलेंगी क्योंकि कैंडल्स डबल हो जाती हैं। ये देखिए ये जो ब्लैक वाली आप कैंडल देख रहे हो जस्ट इस कैंडल की अपनी कंफर्मेशन हमने ली थी एंड इस ब्लैक वाली कैंडल के पास से हमने अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया था तो यहाँ पर जब हम अपना टारगेट देखते हैं तो मनी मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग तो हमारा जो टारगेट एरिया है वो काफी बड़ा हो जाता है मतलब कि बारह तेरह या चौदह हजार रुपए के आसपास का प्रॉफिट देखते हैं कि हमें कम से कम मिलना चाहिए लेकिन कोई उतना बड़ा मूव हुआ नहीं ज्यादातर स्टॉक अब एक इंडिगो स्टॉक था जिसने कि एक बहुत बड़ा मूव दिखाया बाकी हमने पब्लिक टेलीग्राम चैनल एंड प्राइवेट टेलीग्राम चैनल इन दोनों में स्टॉक्स हमने शेयर किए थे जस्ट हमें आज की नाइन्थ 15 की कैंडल के नीचे शॉर्ट करना था बट कंफर्मेशन नहीं दिया और प्राइस पूरे दिन था सिर्फ और सिर्फ हम इसके अंदर शॉर्ट सेलिंग के लिए देख रहे थे एंड so, तो हमने जो ट्रेड किया था इंडस्टिन बैंक को बिकॉज बैंकिंग सेक्टर का यही हमारा स्टॉक लग रहा था हमको जो मेरे लेवल पर था सस्ता था और हम इसको ट्रेड कर सकते थे एक्सिस बैंक था जो कि मॉर्निंग में था तो फिर हमने उसको रिजेक्ट कर दिया इंडस्टिंग हमको लगा कि हम इसको ट्रेड कर सकते हैं बिकॉज डे टाइम फ्रेम पर हमने आपको जैसा बताया कि हमारे फॉलिंग रोज पैटर्न के अकॉर्डिंग प्राइस हमको बिल्कुल बॉटम पर मिला बॉटम इन द सेंस कि बिल्कुल हमारे सपोर्ट एरिया पर मिला एंड स्टॉप लॉस के लिए हो सकता था कि प्राइस के अंदर जब हमने अपनी एंट्री ली है तो प्राइस इस ब्लैक वाली कैंडल के लो तक आता और यहाँ से हो सकता है मेरा स्टॉप लॉस लेकर वापस ऊपर चला जाता तो हमने स्टॉप लॉस को भी थोड़ा सा बफर दे करके इस जोन के पास में अपना स्टॉप लॉस रख दिया था एंड एंट्री जो हमने ली थी बारह सौ बारह रुपये पच्चीस पैसे पर एंट्री का पॉइंट क्या है ना हाँ बारह सौ बारह रुपये पच्चीस पैसा एग्जैक्ट यही पॉइंट है हमारे ट्रेड एग्जीक्यूशन का वो हमने थ्री मिनट्स के टाइम फ्रेम पर आपको दिखाया ही कि क्यों हमने इस जगह पर अपना ट्रेड एग्जीक्यूट किया ओके okay, ये तो एक मोटी मोटी एनालिसिस हो गई अब डेट टाइम फ्रेम पर चलते हैं यहां पर हम लोग रीडिंग करेंगे रीडिंग के अकॉर्डिंग आप देखिएगा कि, कि किस तरह से प्राइस के अंदर बुलिशनेस या बेरिशनेस हम लोग काउंट कर सकते हैं अब देखिए ये पैटर्न बन जाता है जिसमें कि वॉल्यूम्स हमारी गिर रही होती है और प्राइस हमारा डाउन मूव में होता है बट इसके अंदर रिजेक्शन देखने को मिलते हैं लास्ट एक हमने वीडियो अपलोड किया था जिसमें थ्री ट्रेडिंग के सिस्टम हमने आपको बताए थे स्मार्ट मनी के अकॉर्डिंग जब हम लोग ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं प्राइस ऊपर जा रहा है रिट्रेसमेंट पर आपको डाउन से रिजेक्शन मिलते हैं और वॉल्यूम्स हमारी कम होती रहती है ये एक बुलिश कैंडल होती है मतलब कैंडल्स कलर तो के बन रहे हैं, बट इसके अंदर कहीं ना कहीं ना में दिख रही है अब तो उसको क्या करना होगा हमारी इस ब्लैक वाली कैंडल के नीचे ट्रेड एग्जीक्यूट कर देना होगा बट यहां पर प्राइस ने क्या किया एक मदर कैंडल फॉर्म कर दी मतलब एक दो तीन प्राइस अपने लोस को तो क्रिएट करा था बट लोस को अपसाइड की तरफ लगाने लगेटीन ऑफ दिसंबर से आई होप कि समझ में आ रहा होगा अब देखिए प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ गया एक रिजेक्शन नेक्स्ट डे प्राइस हमारा अप मूव में चला गया आज भी हमको जो प्राइस मिला है ये थर्ड वाली कैंडल के जस्ट लो पर मिला आप खुद देखिए अगर प्राइस को नीचे की तरफ जाना है तो इसे क्या करना होगा हमारी इस वाली कैंडल के नीचे की तरफ इसे सपोर्ट्स के ब्रेकआउट करने होंगे लोअर टाइम फ्रेम पर एंड हायर टाइम फ्रेम पर क्या हो रहा है कि प्राइस जब हमारा अप साइड की तरफ जा रहा है तो इसके अंदर वॉल्यूम्स इंक्रीज हो रहे हैं एंड जब हमारा प्राइस डाउन साइड की तरफ आ रहा है तो इसकी वॉल्यूम्स गिर रही है ये होता है कैंडल के कलर्स को देख करके जिस तरह से ट्रेडर्स को ट्रैप किया जाता है देखने में लग रहा है ना कि ये बेरिश है बट हमारे इस वाली लेवल के नीचे आकर के मार्केट ट्रेड करे एंड यहां पर वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट हो तब हम मानेंगे कि हाँ यहाँ पर प्राइस थोड़ा सा सस्टेन हो सकता है गिर सकता है बट प्राइस ने क्या किया कि एक की तरफ दिखाया। अब आते है पर कैंडल से कैंडल को जब हम लोग रीड करते हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है अब जैसे ये हमारी एक बड़ी सी कैंडल फॉर्म हुई है ग्रीन कैंडल आप देखिए कि प्राइस ने क्या किया है इस ग्रीन वाली कैंडल के ऊपर की तरफ जाने की कोशिश की बट इसके अंदर रिजेक्शन आ गया और प्राइस नीचे की तरफ गिर गया एंड वॉल्यूम्स के भी ब्रेकआउट नहीं हुए प्राइस ने क्या किया वापस से इस वाली कैंडल के अंदर आकर के ट्रेड करने स्टार्ट कर दिया हमारी जो ऑफ दिसंबर की कैंडल है क्योंकि यही एक बुलिश कैंडल थी जो कि इस पूरे स्विंग के दौरान में जिसने अपना एक हाई बनाया था

तब फिर हम इंडस्ट्रीड बैंक को ट्रेड कर सकते हैं अपसाइड की तरफ सो so, थ्री मिनट्स के टाइम फ्रेम पर हमने आपको दिखाया ही था एंड ये है अपना लोअर टाइम फ्रेम फाइव मिनट्स का अभी इसने डे हाई ब्रेक कर दिया है जस्ट 9:15 की कैंडल का हाई ब्रेक कर दिया है यहाँ पर देखिए जो हमारे प्रॉफिट्स है वो इंक्रीज होकर के 8000 के अराउंड गए थे एंड अभी जो चल रहा है 6300 के अराउंड का प्रॉफिट चल रहा है स्टॉप लॉस हमारे 1207 के आसपास के हमारे स्टॉप लॉसेस लगे हुए हैं एंड अभी थोड़ा सा देखिए प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है अभी जो लोअर टाइम फ्रेम के प्राइस हुए को इनमें बहुत ध्यान रखने वाली चीज़ें होती हैं एक तो 9:15 की कैंडल इंपॉर्टेंट ही होती है 9:15 की कैंडल जब तक ब्रेकआउट ना करे ना तब तक ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना चाहिए ऐसा आइडियल कंडीशन में बहुत हद तक आप देखोगे अगर फॉलो करते हो तो साइडवे मार्केट से बच जाओगे जबकि ऐसा नहीं है कि जो बातें हम बोल रहे हैं उसको जस्ट फॉलो भी करते हैं ये बोलना बहुत आसान होता है बोलने को तो कोई भी बोल सकता है लेकिन जब हम उसको फॉलो करने आते तो बड़ी मुश्किल होती है अपने आप को संभालना लाइव मार्केट में अपनी इमोशन्स को होल्ड करना कोशिश हम पूरी करते हैं लेकिन कई बार होता है कि आपको खुद लगेगा कि नहीं प्राइस ऊपर चला जाएगा आप देख रहे हो कि सेक्टर भी भाग रहा है निफ्टी भी भाग रहा है तो हो सकता है निफ्टी आपका स्टॉक भी ऊपर चला जाए हालांकि 915 की कैंडल का ब्रेकआउट नहीं किया है फिर भी आपको कहीं ना कहीं फील होता है नहीं प्राइस का ब्रेकआउट हो जाएगा ये डिपेंड करता है आपकी क्या एक्सपीरियंस रही है मार्केट को लेकर के ट्रेड्स को लेकर के हाँ आपका मन जहां पर भी वो आपने ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया तो वो फिर एक दूसरी फील्ड हो जाती है लेकिन एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो फिर एक क्राइटेरिया निकल के आता है जिसमें कि अपने लेवल्स को टेक्निकल एनालिसिस को तो हम एक साइड में रखते हैं इसके अलावा हम खुद भी देखते हैं कि मार्केट में क्या हो सकता है अब यहाँ पर आप फाइनली देखोगे कि नाइन की कैंडल का कोई बहुत बड़ा ब्रेकआउट नहीं हुआ है हमने नाइन की रेंज के अंदर ही अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया सरप्राइज फिर हमारा सीधे ऊपर जाकर के पूरे दिन साइड में रहा जब तक ये दो मिनट की कैंडल नहीं बनी हमें यही लग रहा था कि आज हम दो या ढाई हजार रुपए के प्रोफिट के ही अंदर

इंडसइंड बैंक को ट्रेड किया है फॉलोइंग रोज पैटर्न के अकॉर्डिंग जैसे हमने इंडस्ट्री बैंक को ट्रेड किया है उस स्ट्रेटजी के वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में रख देंगे उसको जाकर के देखिए समझिए उसके बेसिस पर ट्रेड एग्जीक्यूट करने की कोशिश कीजिए कुछ छोटी छोटी टेक्निक्स हैं उसको जानिए है। जो वीडियोज़ हम डेली अपलोड करते हैं उसमें से कुछ कुछ एक पॉइंट्स पकड़ने की कोशिश कीजिए कि कैसे हम लोग प्राइस को रीड करें देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है कोई इंडिकेटर यूज नहीं हो रहा है सिर्फ आप वॉल्यूम्स के मूवमेंट देखो प्राइस के मूवमेंट देखो ये बड़ी सी ग्रीन वाली कैंडल आप देख रहे हो ना एक्चुअली ये हमारा सपोर्ट एरिया है ये वाला पॉइंट आप देखोगे कि प्राइस हमारा इसी जगह पर सपोर्ट ले रहे हो इसी सपोर्ट से अपसाइड की तरफ जा रहा है ये कुछ वॉल्यूम्स के अपने स्ट्रक्चर्स होते हैं किस जगह पर आपको वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट देखने को मिल रहे हैं और किस जगह पर वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट नहीं देखने को मिल रहे हैं। काफ़ी पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें आंट वॉल्यूम के बारे में बताया था पूरे स्ट्रक्चर्स के दौरान जो आपको सबसे कम वॉल्यूम देखने को मिलती है ना इसका भी अलग अपना एक सिग्निफिकेंस होता है ये भी मैं समझना होगा अब जैसे हम कुछ नहीं करके इस रेजिस्टेंस एरिया को ही माँ कर लें आप देखो कि मार्केट कब तक उस रेंज के नीचे रहा है और जब प्राइस ने हमारी इस वाली वॉल्यूम का ब्रेकआउट किया जैसे यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है तो प्राइस ने इस वाली कैंडल का भी ब्रेकआउट किया जैसे ही प्राइस ने ब्रेकआउट किया प्राइस अगेन हमारा ऊपर तो ये कुछ काउंटिंग्स होती हैं कह सकते हैं कि एनालिसिस होते हैं जो कि हमें करनी होंगी और ये धीरे धीरे डे बाय डे दे आपकी डेली प्रैक्टिस पर ही डिपेंड करता है कि आप कैसे रीड करते हो कैसे ट्रेड करते हो क्या एक्सपीरियंस करते हो मार्केट में कितना प्रॉफिट है कितना लॉस है ये अलग बात होती है अगर कल 979.80 या 979.45 के नीचे सन फार्मा आपको दिख रहा है आपको आपके एंट्री के कन्फर्मेशन मिल रहे हैं प्राइस हमारे लेवल के नीचे सस्टेन कर रहा है क्योंकि ये कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं जो कि आपको आने चाहिए हम ये नहीं कह सकते कि प्राइस जैसे जिस रेंज के नीचे आप ट्रेड मार दो वैसे तो देखिए प्राइस यहाँ पर भी गया है इसने एक मूव दिखाया है हम यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग नहीं कर देंगे यहाँ पर किसी तरह के एंट्रीज़ के कन्फर्मेशन नहीं है प्राइस सस्टेन होने दो हमें लग रहा था कि अगर नाइन फिफ्टीन के नीचे प्राइस हमारा निकला तो वो निकल जाएगा इसीलिए फिर हमने सनफार्मा को शॉर्ट करने के लिए दिया था बट नहीं निकला प्राइस जाने देंगे इसको कल देखिएगा अगर मार्केट हमारे रेंज के नीचे सस्टेन करती है अब शॉर्ट मार देना आपको प्रॉफिट ही मिलेगा इसके अंदर से अपने मनी मैनेजमेंट के और रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग ही ट्रेड कीजिएगा सो so यहाँ से अब हम लोग स्क्वायर ऑफ करते अपनी पोजिशंस को बारह पैसे का प्राइस चल रहा है इस वक्त सो so वापस चलते हैं सीधे हम लोग ऑर्डर बुक में ऑर्डर बुक से जाते हैं स्टॉप लॉस ऑर्डर को करते हैं कैंसिल कैंसिल करने के बाद ऑर्डर एंड सिक्स सेवन थाउजेंड का चल रहा है प्रॉफिट बारह सौ छब्बीस रुपये पचास पैसे रिवाइज टारगेट पॉइंट पचास चलिए छब्बीस पचास पच रुपये नीचे आ गया है ऑर्डर बुक बारह सौ छब्बीस पचास हाँ बारह छब्बीस पचास ही है पोजिशन बुक बारह सौ छब्बीस रुपये दस पैसे अब ये नीचे भाग रहा है वन टू टू सिक्स पॉइंट फाइव ज़ीरो ओके 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 अभी प्राइस नहीं निकला है सेवन थाउजेंड सेवन थाउजेंड पाँच पैसे से एक्चुअली दस पैसे ऊपर जाना होगा इसको बस पंद्रह पैसे पंद्रह पैसे ऊपर चला जाए क्योंकि वन टू टू सिक्स पॉइंट फाइव जीरो पर तो ऑर्डर तो ही तो लगा हुआ देखिए अभी ऑर्डर एग्जिट नहीं हुए होंगे पूरे ये देखिए थ्री एटी वन ओके अब ज़ीरो प्राइस ऊपर होगा ये देखिए प्राइस ऊपर है निकल गए इसको पाँच दस पैसे ऊपर की तरफ ट्रेवल करना होगा तभी नीचे के सारी क्वान्टीज़ फ़ुलफिल होती हैं अदरवाइज़ क्या होगा दो चार दस पाँच ऐसे क्वान्टी निकलेंगी तो प्राइस का ऊपर निकलना ज़रूरी होगा सो so, ठीक है तो ओवरऑल जो हमारा प्रॉफिट है वो यहाँ पर हमने बुक कर लिया है और एग्जैक्ट टारगेट एरिया से थोड़ा सा नीचे ही हमने बुक किया बिकॉज टाइमिंग ख़त्म होने वाला है अब तीन बजकर पाँच मिनट हो चुका है और ये तीन बजकर दस मिनट पर यह कैंडल खत्म हो जाएगा ऑर्डर बुक में चलेंगे सारी क्वान्टीज़ हमारी निकल चुकी फाइव की एंट्री थी और बारह सौ सात पच्चीस पर हमारा स्टॉप लॉस लगा हुआ था बारह सौ छब्बीस पचास की हमारी एग्जिट है सारी क्वांटीज़ हमारी निकल चुकी हैं एंड पोजीशन बुक में ओवरऑल प्रॉफिट हमारा इसका सेवन थाउजेंड वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव रुपीज़ का प्रॉफिट है सो so, आई होप कि काफ़ी कुछ इससे समझ में आया होगा आपको वीडियो जा करके आप देखिएगा फॉलोइंग रोज पैटर्न वाला फॉलोइंग रोज पैटर्न के अकॉर्डिंग हमने कम से कम दस ट्रेड एग्जीक्यूट करके आपको लाइव दिखाए हैं लाइव मार्केट में उसको देखिएगा प्रैक्टिस कीजिएगा एक बिगिनर लेवल पर अगर आपको शुरुआत करना चाह रहे हो ना एक्शन में या फिर एक सिस्टम नहीं मिल पा रहा है आप यहाँ से अपने लेवल की मार्किंग करो ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया होता है ऐसा भी नहीं है कि कहीं पर भी आपने ये चीज़ देख लो मार करके बैठ गए कुछ क्राइटेरियाज़ होते हैं वो वीडियो जो हम आपको बोल रहे हैं बार बार उसको देखोगे तो काफ़ी कुछ सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी बाकी प्रैक्टिस के ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करते हैं सो इसका अभ्यास कीजिए एंड जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश कीजिए थैंक्स गुड बाय वीडियो अगर अच्छा लगा तो उसको जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा कॉमेंट कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करने की कोशिश की शुक्रिया एंड वी विल मीट अगेन